हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ हरे धनिया की चटनी और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन मैंने लिया है 2 से 3 कलियाँ और 2 हरी मिर्च लिए मैंने, 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने इसके लिए। इसे अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर। शुगर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है हल्का सा मीठा टेस्ट चटनी में तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और अब मैं इसे अच्छे से दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए चटनी के साथ। आपने देखा ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया और कितना प्यारा कलर आया चटनी का। इस चटनी को आप जो है ना पराठे के साथ, रोटी के साथ और राइस में साइड में खा सकते हैं। और मैं इसमें जो है एक्स्ट्रा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।